हेलो राइडर्स, कैसे हो आप सब दोस्तों। अगर आप भी सुजुकी सिक्सर SF250 के नए मॉडल का इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च होने का वेट कर रहे हो तो फाइनली आपका जो इंतजार है वो बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है, क्योंकि सुजुकी कंपनी बहुत ही जल्द अपनी सिक्सर SF250 के नए मॉडल को बहुत ही जल्द इंडियन टू व्हीलर मार्केट में अपडेट के साथ लॉन्च करने वाली है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले कि कंपनी इस बाइक में क्या कुछ चेंज करने वाली है, बाइक में क्या अपडेट होने वाला है, बाइक में आपको क्या कुछ फीचर देखने के लिए मिलेगा, सारा कुछ आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो को स्किप किया हमें बिल्कुल मत करना। मेरा नाम अनमोल और आप देख रहे हैं फोर। दोस्तों, बाइक की जो सेल है वो करंटली बहुत ही ज्यादा डाउन चल रही है, क्योंकि काफी लंबे समय से बाइक में कोई भी फीचर या फिर कोई भी अपडेट नहीं किया गया है, और इस बाइक का जो डिजाइन है वो काफी ज्यादा पुराना भी हो चुका है। यही कारण है कि बाइक का जो डिजाइन और सेल है वो काफी ज्यादा इंडिया में डाउन चल रहा है। तो दोस्तों, अगर आप भी सिक्सर लवर हो तो आपको निराश होने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। अब कंपनी इस बाइक में बिल्कुल ही नया डिजाइन, नया लुक प्रोवाइड करवाने वाली है। बाइक का जो लुक है कंपनी इस बाइक को बिल्कुल ही चेंज करने वाली है। दोस्तों, अगर हम बात करें बाइक के सबसे पहले चेंजेस के बारे में तो वो होगा बाइक के फ्रंट हेडलाइट में। बाइक के फ्रंट में आपको LED हेडलाइट का सेटअप देखने के लिए मिलेगा। बाइक के जो इंडिकेटर है वो आपको LED में देखने के लिए मिलेंगे। बाइक के DRL भी LED में होंगे। बाइक के रियर में आपको LED टेल लाइट का सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा। अगर हम बात करें बाइक के दूसरे चेंजेस के बारे में तो वो होगा बाइक के मीटर कंसोल में। दोस्तों, बाइक का जो मीटर कंसोल है काफी ज्यादा पुराना हो चुका है, तो कंपनी इस बाइक के मीटर कंसोल को चेंज करके बाइक में 5 इंच का TFT डिस्प्ले वाला कलरफुल मीटर कंसोल प्रोवाइड करवाने वाली है, जो कि बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होने वाला है। दोस्तों, अगर हम बात करें बाइक के तीसरे अपडेट के बारे में तो वो होगा बाइक के ब्रेकिंग सेटअप में। बाइक में आपको डुअल डिस्क ब्रेक के साथ डुअल चैनल ABS का फीचर देखने के लिए मिल जाएगा। कंपनी इस बाइक के ब्रेकिंग सेटअप को और भी ज्यादा इनहेंस करने वाली है, ताकि आप बाइक को अगर टॉप स्पीड पे भगा सके तो बाइक के जो स्किड होने के चांसेस है वो काफी ज्यादा कम हो जाए। इसके अलावा अगर हम बाइक के चौथे अपडेट के बारे में बात करें तो वो होगा बाइक के साइड फेयरिंग डिजाइन में। अब कंपनी इस बाइक के साइड फेयरिंग डिजाइन को बिल्कुल ही चेंज करने वाली है। बाइक में आपको नया फेयरिंग डिजाइन देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव होने वाला है। बाइक का जो साइड पैनल है वो बिल्कुल ही नया देखने के लिए मिलेगा। बाइक में आपको नया कलर, नए ग्राफिक, नए थीम देखने के लिए मिलेगा। बाइक में आपको बहुत ही बेहतरीन कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, जो कि बाइक के लुक को काफी ज्यादा इनहेंस करने वाला है। बाइक के अगर पांचवें अपडेट के बारे में बात करें तो बाइक में आपको काफी सारे फीचर्स भी देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ टर्न बाय टर्न नेविगेशन, राइडिंग मोड, USB चार्जिंग पोर्ट, जैसे कई सारे फीचर्स भी देखने के लिए मिल जाएगा। बाइक का जो कर्व वेट है वो 161 kg होने वाला है। बाइक में आपको 12 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने के लिए मिल जाएगा। ये बाइक आपको सिटी राइडिंग और हाईवे राइडिंग पे 30 km/h का माइलेज आराम से दे देगी। बाइक के फ्रंट में आपको 110 सेकंड का टायर देखने के लिए मिलेगा, और बाइक के रियर में आपको 150 सेकंड का वाइड टायर देखने के लिए मिल जाएगा। बाइक के अगर इंजन के बारे में बात करें तो बाइक में आपको 249cc का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल इंजन देखने को मिलेगा, जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा 26.13 bhp की, और मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करेगा 22.2 Nm की। बाइक में आपको 6-speed गियरबॉक्स मैनुअल का सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा। बाइक के सस्पेंशन के बारे में बात करें तो बाइक के फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक और रियर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन का सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा। बाइक आपको E20 मॉडल के साथ देखने के लिए मिलेगा, जो कि BS6 Phase 2 वाला इंजन होगा। अगर हम बाइक के प्राइसिंग और लॉन्च डेट के बारे में बात करें तो ये बाइक आपको 1,90,000 के एक्सोरूम प्राइस पे अवेलेबल हो जाएगी इंडिया में। अगर हम बाइक के लॉन्च डेट के बारे में बात करें तो ये बाइक आपको 2024 के मिड में देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों, आपको ये बाइक कैसे लिए अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर जाना। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जरूर दबाना।